दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा SNBC। जैसा कि दोस्तों आज के कुछ दिन पहले इस मुर्गे को मैंने आपको दिखाया था और इनमें दोस्तों एक हल्की सी साउंड आ गई थी जो कि छिक छिक की साउंड थी और जिसके वजह से मुर्गे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया था, यानी बर्ड ने जो दोस्तों फीडिंग भी बंद कर दिया था। यानी CRD का ये मान के चलिए कि CRD बनने के कगार पर ही था, बीट भी पतली हो गई थी। लेकिन दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि बर्ड एकदम फर्स्ट क्लास है, ना तो जरा सा भी साउंड नहीं रह गया है, हल्का हल्का कहीं कहीं खिंच खिंच की आवाज़ आती है दोस्तों। बाकी मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, बीट में एकदम लाजवाब का सुधार हुआ है, 1% भी कहीं भी बीट पतली नहीं है। रही बात दोस्तों फीडिंग की, बर्ड हमारा एकदम गजब का फीडिंग भी कर रहा है और आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कितना सारा इसमें ड्रिंकर और फीडर का इस्तेमाल किया हुआ है। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में जितना ज़्यादा आप फीडर और ड्रिंकर यूज करते हो मुर्गे में, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स देता है। और अभी मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने दोनों पर्दों को रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये है बाहर का पर्दा और फिर जाली, जाली के बाद ये दूसरा अंदर का पर्दा। क्योंकि दोस्तों अभी हमारे मुर्गे में कहीं भी, अभी मैं बता दूं 11:00 हुए हैं दिन के, लेकिन मुर्गे रिलैक्स महसूस कर रहे हैं तो अच्छा लगता है दोस्तों। इस तरह से जब मुर्गे में ठंडक जरा सा भी इनको फील ना हो तभी जाके इनका अच्छा ग्रोथ भी आता है। वरना होता क्या है दोस्तों कि बर्ड कुछ तो ठंडी के वजह से फीडिंग नहीं करता है, तो हमेशा ठंडक के मौसम में दोस्तों जितना ज़्यादा प्रॉपर आपका मैनेजमेंट होगा पर्दे का, उतना ही बेहतर आपके मुर्गे का ग्रोथ होगा। ये क्या है बाहर? कहाँ बाहर? बाकी दोस्तों मैं अपने मुर्गे का अब आपको वजन करके दिखाता हूँ कि क्या वेट है, और वाटर इंटेक बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। सुबह में ही ये पानी रखाया गया था जो कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है मुर्गों ने, अभी इनको वापस से फिर से पानी लगाया जाएगा। और मोर्टेलिटी मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत ही खुशखबरी की बात है, अभी तक मात्र जब से मुर्गे आए हैं तब से मात्र 3 मोर्टेलिटी हुई है, और एक्स्ट्रा में हमको 6 बर्ड मिले थे, 6 चूजे मिले थे दोस्तों, उनमें से मात्र 3 की मोर्टेलिटी हुई है अभी तक। बाकी सारे के सारे अभी एकदम लाइव हैं और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत कहीं से भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब बारी है दोस्तों कि जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कहते हैं कि अजय भाई मुर्गे में ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों जिसके मुर्गे की फीडिंग नहीं ठीक होगी उसके मुर्गे का ग्रोथ स्लो होता है। यानी जितना ज़्यादा आपका मुर्गा फीड करेगा उतना ही बेहतर ग्रोथ देखे जाएगा, जितना कम फीडिंग करेगा उतना कम ग्रोथ देगा। तो हमेशा दोस्तों आप लोग फीडिंग पे विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक बर्ड हमारे इसमें है दोस्तों, ये सामने वाला, जो कि हल्का सा अभी इसको विकलांग हो गया है, तो इसको मैं अभी देख रहा था दोस्तों कि और केयरफुली देख रहा था कि कहीं और एक भी हो तो मैं इसमें दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू करूं। अगर दोस्तों जब भी आपके मुर्गे को कैल्शियम की कमी पड़ेगी तब ये दिक्कतें आती हैं, तो उससे पहले ही आप लोग सतर्क रहिए, जो भी दवाएं टाइमली चलाते रहिए, मुर्गे में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। बाकी दोस्तों मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ना वैक्सीनेशन हुआ है ना कुछ भी
सिर्फ दोस्तों ए टू जेड चला रहा हूँ, बस उसके बाद कोई भी दवा नहीं। शुरुआत में 100 ml नीरी लेके आया था, उसको लगाए थे, और इसके बाद में लगातार हर 3 दिन ए टू जेड, इसके बाद सादा पानी, हर 3 दिन ए टू जेड, इसके बाद सादा पानी, ऐसे चल रहा है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है। छिक छिक की जो आवाज़ आई थी दोस्तों, उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ रेनोरिल और सेट्रजिन, ये दो टेबलेट्स लगाए थे 3 दिन में, वो भी एकदम नॉर्मल हो गया। और मुर्गे दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम फर्स्ट क्लास हैं, और वज़न भी काफ़ी बेहतर है, और काफ़ी अच्छा वज़न गेन भी कर रहे हैं। तो हमेशा दोस्तों ज़्यादा दवाओं के पीछे मत भागो, ठंडी का मौसम है, जितना बेहतर मैनेजमेंट दोगे उतना बेहतर आपके मुर्गे का ग्रोथ आएगा। ज़्यादा दवाओं के पीछे भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।